चैनल, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मेघा क्रिएशंस में। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के वीडियो के लिए, क्योंकि वेडिंग सीजन में सबसे ज्यादा काम आने वाला वीडियो है। मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने सिंपल बेसिक लहंगे पे दुपट्टा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे स्टाइल करें, और बेसिक से लेके थोड़े से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा मेरी फैमिली, और अगर ऑलरेडी मेरी फैमिली मेंबर है तो थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का हिस्सा होने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। सो फर्स्ट लुक में मैंने अपने दुपट्टे को ओपन स्टाइल में ड्रेप किया, ऐसे मुझे बहुत मजा आ रहा था इस दुपट्टे की ड्रेपिंग में। और ये जो कॉर्नर है ना, जो हमारा पल्लू कॉर्नर होता है साइड का, हम साइड में टकिंग करते हैं नाड़े वाली प्लेस पे, तो यहाँ मैंने इसे लगाया और बस शोल्डर पे। और ये जो ब्लाउज है ना हमारा, यहाँ और फिर नाड़े वाली जगह पे हमें पिन लगा लेनी है, ताकि हमारा जो दुपट्टा है इधर उधर ना भागे, एकदम सेटल लुक दे। और देखो कितना प्यारा ब्यूटीफुल गॉर्जियस एकदम नाजुक सा लुक हमें मिला इस स्टाइल से। अच्छा, अगर आपकी कलाई पे से भी इधर उधर भागता है ना दुपट्टा, तो आप क्या करो, लेस को जॉइंट करो और यहाँ पे भी पिनअप कर लो, तो बहुत प्यारा लुक मिलेगा आपको और आप एकदम फ्री रहोगे। अब जो सेकंड लुक है ना, इसमें मैंने क्या किया, इसी फ्री पल्लू को थोड़ा सा लंबा किया आगे से, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर पे इकट्ठा कर लिया सारा पल्लू, ताकि मुझे ड्रेपिंग में प्रॉब्लम ना हो। फिर जो इनसाइड वाला ये कॉर्नर होता है ना, इनसाइड वाला बॉर्डर, इस पल्लू को मैंने पीछे घुमाया और पीछे घुमा के मैं इसे फिट करूंगी। जैसे हम जब साड़ी पहनते हैं तो उसे खींच के फिट करके पिनअप करते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने पिन किया, इसे फोल्ड करके ऊपर लिया, फिर वापिस से इसे पिनअप किया और बस हो गया मेरा पल्लू सेट। मैंने शोल्डर वाला पल्लू ओपन स्टाइल में रहने दिया, क्योंकि थोड़ा सा गर्लिश लुक देता है, आपको थोड़ा यंग फील करवाता है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक नया स्टाइल अचीव कर लिया है, मरमेड लुक दे रहा है ना ये, थोड़ा सा कमर पे से और हिप्स पे से फिट और नीचे से एकदम घेरा, बहुत ब्यूटीफुल एकदम नाजुक सा एलिगेंट सा। मुझे बताना कमेंट्स करके आपको कैसा लगा। और अब आ गया है मेरा फेवरेट लुक, यस ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्टाइल। अब मैंने क्या किया है, इसमें जो हमारा दुपट्टा होता है ना, जितना भी लंबा होता है, उसके इन दोनों कॉर्नर्स को जॉइंट कर लिया यहाँ से पिन लगा के, और बस इसे अब ऐसे मैंने शोल्डर पे डाल लिया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है शोल्डर पे डालते ही। शोल्डर पे डालने के बाद में क्या करना है, बस जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर टू बॉर्डर थोड़ी सी प्लीट्स बना के इसे पिनअप कर लो। आपने ब्लाउज पहना है, चोली पहनी है, उसके साथ में भी आप इसे पिनअप कर सकते हो, ताकि इधर उधर नहीं भागेगा। बैक से भी आप सेम कर सकते हो, चाहो तो आप फ्लिप भी छोड़ सकते हो। अब इसके अंदर हम लगाएंगे तड़का वेस्ट बेल्ट लगा के। यस, वेस्ट बेल्ट लगाओगे तो आपकी वेस्ट को और आपके दुपट्टे को एक अलग डेफिनेशन मिलेगी, एक बहुत ब्यूटीफुल लुक मिलेगा। ये देखिए मेरा ये फेवरेट लुक है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला स्टाइल। आप लोग मुझे बताना, जितने भी इसमें मैं आपको स्टाइल दिखाऊंगी ना, उसमें आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है। और आप हैंड्स फ्री हो, झूमो नाचो गाओ एंजॉय करो। हम नेक्स्ट लुक के लिए मैंने जितनी चौड़ी बॉर्डर थी ना, बस उतनी ही चौड़ी प्लेट्स बनानी है। जितनी बारीक बारीक प्लेट्स होंगी ना, बस बॉर्डर जितनी, उतना ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लुक आप अचीव कर पाओगे। और मेक श्योर कि पिन्स अच्छे से लगा लेना, एक नहीं दो पिन लगा लेना, बस खुलनी नहीं चाहिए प्लेट्स, ठीक है। अब पीछे का जो पल्ला है ना, उसके कंपैरेटिवली मैंने जो आगे का पल्ला है वो लंबा लिया है, और चोली पे यहाँ पिनअप कर लो देखो, ताकि ये फिट हो जाए प्लेट्स। और बस ये कॉर्नर उठाया, कॉर्नर उठा के जहाँ पे नाड़ा होता है वहां पे इसे पिनअप किया, और मिल गया है सीधे पल्ले का एक थोड़ा सा मॉड स्टाइल। बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ग्रेसफुल लग रहा है काफी। और इसमें आप क्या कर सकते हो ना, आपको दुपट्टे की लेंथ अच्छी है तो आप सर भी ढक सकते हो। मैंने सोचा जो लोग सर ढकते हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छा सा प्यारा सा स्टाइल होना चाहिए, तो बस मैंने इसे क्रिएट किया। और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और इस तरीके से आप आगे पल्ला सेट करोगे ना, तो आपका जो सर का पल्ला है ना वो भी नहीं गिरेगा। अब इस लुक में मैंने बारीक सी प्लेट्स बना रखी हैं सीधे पल्ले की, प्लेट्स बना के उसे चोली से पिनअप करके नीचे से फ्री छोड़ दिया। जो बैक का पोर्शन होता है ना हमारे दुपट्टे का, उससे मैं बैंगल से इस कॉर्नर को अटैच करूंगी। और ये देखो, ये है शावर शावर लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्री हैंड स्टाइलिश। आप सर नहीं ढकना है तो आप इसे आराम से आंख बंद करके किसी भी टाइप के लहंगे और चोली के साथ में स्टाइल कर सकते हो, और बहुत प्यारा शावर शावर लुक है, जरूर से इसे ट्राई करना इस वेडिंग सीजन में।
अब जो नेक्सस स्टाइल है वो भी बहुत इजी है, बस मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो शोल्डर पे पल्ला है ना हमारा वो सेम रहने दिया है, लेकिन जो बस बैक वाला पल्ला है ना उसका कॉर्नर है उसका ऐसे वी क्रिएट किया और इसे आगे की तरफ लेके शोल्डर पे पिनअप कर दिया। ठीक है, पिनअप करने के बाद में आप देखो कितना ब्यूटीफुल लुक हमें मिला है। दोनों जो बॉर्डर है वो आगे की साइड से दिख रहे हैं, पीछे से पूरा बॉर्डर ऐसे राउंड में कर्ल बना रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा ग्रेसफुल लुक आ रहा है इसमें। और आप हैंड्स फ्री हो, आप चाहो तो इसमें भी आप वेस्ट बेल्ट ऐड कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा आपका वेस्ट बेल्ट ऐड होके ये लुक। और इस वीडियो का जो लास्ट लुक है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, नाजुक सा लुक है। जैसे हम दुपट्टा डालते हैं ना अपनी सूट पे वैसे हमें दुपट्टा डालना है, बस ये लहंगे का दुपट्टा है, हैवी है क्योंकि इसमें बॉर्डर है तो इसे अच्छे से पिनअप कर लेना है। और अगर आपके हाथों पे से गिरता है ना तो बैंगल्स के पीछे से आप इसे ज्वाइन करो और फिर पिनअप कर लो एक साइड से, बहुत प्यारा लगेगा, एकदम डेलिकेट लुक है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताना कि जितने भी लुक मैंने क्रिएट किए ना उन सारे स्टाइल्स में से आपको कौन से स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है इस वीडियो में। सो यार दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, आई रियली होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और उन्हें पढ़ के यू नो मुझे एक अलग डिफरेंट एनर्जी फील होती है मुझे कुछ और ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए अपनी मेघा को और करते रहिए बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट। चलिए जल्दी ही मिलूंगी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।